सर, शरद पवार साहब कहते हैं कि कंगना को तूल देना बेकार है, तो शिवसेना फिर क्यों तूल दे रही है? क्या कंगना हमलावर है पार्टी पे, आपकी सरकार को? छोड़ दीजिए, देखिए जिस एक्ट्रेस का आप नाम ले रहे हो, हमारे लिए विषय खत्म हो गया है। हमने उसका ऊपर बात करना बंद किया है। जिसको जो करना है कर दीजिए, हम सुनेंगे, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हर बात का हम नोट करेंगे, नोटिंग करेंगे, क्योंकि इतिहास के पन्ने जो होते हैं वो बार बार बदलती भी है। भविष्य में नए नए इतिहास लिखा जाता है, लेकिन पुराना इतिहास जो होता है उसके पन्ने फाड़ नहीं दिए जाते। तो जो हो रहा है हम उसका नोटिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी देश को और महाराष्ट्र के बारे में क्या सोचती है, उनकी सोच कितनी बुरी है। क्यों? क्योंकि आपकी सत्ता हाथ से चली गई, इसलिए आप एक सब तमाशा कर रहे हो। आप एक राज्य को, एक राज्य के संस्कार को, एक राज्य के संस्कृति को आप बदनाम कर रहे हो। आपको संयम रखना चाहिए। राजनीति में ऐसे चढ़ उतार आते हैं, मैंने कहा ना, सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। डेमोक्रेसी में बहुमत बहुत चंचल चीज़ होती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आते तो आपको राजनीति करने का अधिकार नहीं है।